बांग्लादेश में हालात बस से बदतर हो गए हैं। छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुई विरोध की चिंगारी ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया। खास तौर पर हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में नरक जैसी स्थिति बन गई है। मंदिर घर मलबा बनते जा रहे हैं। हिंदुओं के इलाकों में जगह जगह आगजनी की जा रही है। अब एक और देश ऐसा है जहाँ बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में बांग्लादेश जैसे नतीजे भुगत सकता है। लेकिन ऐसा हो उससे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने लोगों को बड़ी चेतावनी दे दी है। मुनीर बोले, कामयाब नहीं होने देंगे मंसूबे। जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश करने वालों को चेताते हुए कहा कि हमारी सेना इस तरह की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि वह मुल्क की सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट के बाद आया जिसमें पाकिस्तान के मौजूद हालात की तुलना बांग्लादेश से की जा रही है। सेना प्रमुख ने देश में अराजक घटनाओं के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर सेना की आलोचना ज्यादा होने लगी है, इससे देश का राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। ऐसी कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान कयामत तक रहेगा। यही नहीं, जनरल मुनीर ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान में इस तरह की अराजकता की साजिश पैदा करने की कोशिश की तो अल्लाह की कसम हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। इस वीडियो में कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये देश कयामत तक रहेगा। मुनीर ने कहा कि देश कितना अहम है, यदि आपको ये जानना है तो इराक, सीरिया और लीबिया को देखिए। पाकिस्तान की मौजूदगी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इसे आखिरी वक्त तक के लिए बनाया गया है। उन्होंने देश में शांति एवं अस्थिरता को बचाए रखने के लिए सेना के समर्पण की तारीफ की, साथ ही देश में अराजकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। भारत के साथ विवाद पर बोले मुनीर। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने कहा कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझा एजेंडा है। इसे सुलझाया जाना जरूरी है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है।